गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रियल डोज। आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो करते होंगे इंजॉय। वैसे मैं मुझे पता है कि काफी दिनों के बाद मैं आई हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ओके, तो काफी टाइम के बाद मैं ये एक मतलब मेकअप से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अभी बहुत सारा फेस्टिवल आने वाला है एंड पार्टी होने वाली है क्योंकि शादी वादी है तो काफी सारी पार्टी में जाना रहता है हम लोग को, तो क्यों ना एक क्विक सा मेकअप लुक आपके साथ शेयर किया जाए कुछ प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ ये वीडियो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगेगी ना तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो मेकअप लुक है वो मैंने कैसे क्रिएट किया है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जो ये मेकअप लुक क्रिएट किया है वो मैंने ये ब्लू हेवन जो ब्रांड है ब्लू हेवन के प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। ओके, तो ब्लू हेवन जो है वो काफी पुराना ब्रांड है एंड हम सब इसके बारे में जानते हैं कि ये इसके प्राइस जो है वो काफी अफोर्डेबल होते हैं एंड प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं इसके। तो आज मैं इसके अंदर ना बहुत सारे प्रोडक्ट है वो मैं आपको स्टोर कर देती हूँ। तो ये देखो, एंड इसी से मैंने इन सभी प्रोडक्ट से ही मैंने जो है ये लुक क्रिएट किया है। ओके, तो ये है मेरा पार्टी मेकअप लुक। तो मैं रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए, तब तक आप इंजॉय करो मेरा ये लुक। ओके गाइस, तो चलिए। ओके गाइस, तो चलिए मेकअप करते हैं शुरू। एंड ये जो मेकअप है ये बता दिया है मैंने कि ये वन ब्रांड मेकअप है। ये है मेरे पास ब्लू हेवन का मेकअप प्रोडक्ट है, इसके अंदर काफी सारा वो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। तो चलिए अब इससे हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले मैं अपना टोनर अप्लाई कर, ये क्विक सा मेकअप होने वाला है पार्टी के लिए। ओके, तो अब मैं सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन। तो मेरे पास है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, हाइपर मैट फाउंडेशन है एंड ये ना बहुत अच्छा है एंड इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी है। ये इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है एंड ये जो फाउंडेशन है वो काफी अच्छा है। मेरा जो शेड है वो है वनीला एंड ये ना सबसे अच्छी इसकी बात मुझे लगती है जो पंप दिया है ना, इससे ना फाउंडेशन यूज करना काफी इजी होता है। इसको ऐसे हम लोग करेंगे टर्न ऐसे, ये देखो देख सकते हो, तो इतना फाउंडेशन मैंने अभी लिया है। और आपको जितना भी नीड हो इसको यूज करने से ना आपका ये नहीं होगा कि अमाउंट बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, आप जितना चाहते हो उतना ही अमाउंट इससे आपको मिलेगा। तो अभी मुझे इतनी की जरूरत है, देखते हैं इसके बाद अगर और जरूरत होगी तो हम और लेंगे। एंड इसके बाद इसको यूज करके आप इसको बस ऐसे ही टर्न कर दो एंड ये लॉक हो गया, इससे आपका फाउंडेशन बाहर निकलने का बिल्कुल भी कोई डर नहीं है ऐसा। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने पूरे फेस पर एंड मैं इसकी काफी सारी खासियत बताने वाली हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो ब्लू हेवन का फाउंडेशन है ये आपके बेस को हाइड्रेट रखेगा, हाइड्रेटिंग प्रोवाइड करेगा एंड ये आपके जो भी पोर्स है उसको ब्लॉक नहीं होने देगा एंड जो है ये आपको बिल्डेबल कवरेज देगा, मतलब कि आपका जो भी स्किन है इस फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद केकी नहीं लगेगा एंड हेवी हेवी नहीं लगेगा एंड ये आपके फेस पे नेचुरल मैट फिनिश देगा एंड इसको लगाने के बाद ना बहुत ही आपको लाइट टू वेट लगेगा। ये लाइट वेट फार्मूला से बना हुआ है, इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने काफ़ी सारा मेकअप अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी सारा फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी स्किन टाइप को सूट करेगा, ये सभी के लिए है एंड ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी हाईली पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है एंड ये इवन आउट स्किन टोन प्रोवाइड करेगा। एंड सबसे अच्छी बात तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि इसकी जो वो पंप जो है दिया हुआ है इसमें ना इसकी पैकेजिंग में वो इसको यूज़ करना उससे ना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस फाउंडेशन का ना काफ़ी सारा मतलब बहुत सारी खासियत है जो कि हमें इसको अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि ये कितना अच्छा है हमारे लिए एंड अफोर्डेबल भी है। आप देख सकते हो कि मेरा फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया है, मैंने बहुत अमाउंट नहीं लिया है अभी क्योंकि मैं कंसीलर भी यूज़ करने वाली हूँ जहाँ भी मेरे डार्क सर्कल है,
जहाँ भी मुझे कुछ भी दाग वगैरह है तो वहां पे मैं अभी कंसीलर यूज करने वाली हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है एंड मैं हमेशा से ये यूज करती हूँ। ओके, तो चलो मैंने अप्लाई कर लिया फाउंडेशन और पहले का फेस और अभी के फेस में देख सकते हो डिफरेंस। एंड चलो तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ कंसीलर। एंड मेरे पास है ये ब्लू हेवन का ऑल इन वन मेकअप स्टिक एंड ये भी काफी अच्छा है। मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये भी जो सेड है वो है वनीला। ये वेरी फेयर के लिए आता है एंड ये है इस तरह की पैकेजिंग एंड ये भी काफी अच्छा है। तो मेरा ये बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है एंड इजिली मतलब अप्लाई हो जा रहा है मेरे फेस पर। ओके, तो इसको भी अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी, ब्लेंड कर लूंगी मीन्स। ओके गाइस, तो मेरा जो कंसीलर है वो भी मैंने अप्लाई कर लिया है। तो अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की। तो मेरे पास है ये ब्लू हेवन का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट एंड ये भी वही है सेड मेरा वनीला एंड मुझे जो है ना इसका कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका जो मिरर है ये बहुत मतलब अच्छा है। इतना बड़ा आपको मिरर मिल रहा है एंड ये है इसमें ये स्पंज लगाने के लिए। तो चलो अप्लाई कर लेते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट अप्लाई करना बहुत जरूरी खासकर समर्स में। अभी समर टाइम चल रहा है तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो आता है स्वेटिंग होती है मीन्स हमें बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हमें ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो मैंने जो है ये कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर लिया है। तो चलो अब आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने आईब्रो की तरफ बढ़ती हूँ एंड उसके लिए है मेरे पास ये ब्लू हेवन का ब्राउन परफेक्ट आईब्रो इनहेंसर पेंसिल प्लस कॉम्ब। इसमें आपको दोनों चीज मिल रहा है। ओके, तो ये मैंने ओपन कर लिया है एंड देखो ये एक साइड आपको मिल रहा है ये आपको आईब्रो फिल करने के लिए अपना, ये ब्राउन शेड है एंड एक साइड आपको मिल रहा है ये स्पूली हेयर कॉम्ब, मतलब आप इसको ना इस तरीके से कर सकते हो। तो चलो अप्लाई कर लेते हैं इसको एंड मैं ना ये जो कॉम्पैक्ट का मिरर है ना उसी से अपना आईब्रो आज फिल करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये, मतलब इसका इजी टू यूज है ये जो ब्रश है ये। डिफरेंस देख सकते हो हल्का हल्का पता चल रहा है अभी से ही आपको। मुझे ना इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है। वैसे ऑलरेडी मेरा जो आईब्रो है वो मतलब काफी डार्क है एंड अगर उस पर मैं ये आईब्रो पेंसिल डार्क लगा लूं तो मतलब बहुत बेकार लगेगा, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है। तो चलो अब इसकी हेल्प से इसको कॉम कर लेते हैं एंड शेप में ले आते हैं, इसको शेप इसका मेंटेन कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हो रहा है ये। तो ब्लू हेवन का ना ये प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया एंड मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे ब्लू हेवन के मैंने काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं एंड मुझे काफी पसंद है एंड ब्लू हेवन काफी जो है वो पुराना ब्रांड है, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में। तो मैंने अपना आईब्रो भी फिल कर लिया है एंड अब आगे बढ़ते हैं आई मेकअप में काजल की तरफ एंड लाइनर। काजल एंड लाइनर तो उसके लिए भी मेरे पास 2-in-1 ये पैकेट है जिसमें आपको एक साइड में काजल मिलेगा एंड एक साइड में आपको लाइनर मिलेगा। ओके, तो ओपन मैंने कर लिया है एंड ये देखो एक साइड है ये काजल, देख लो कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब काफी अच्छा है ये काजल ब्लू हेवन का
एंड काजल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं काजल के बिना कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, कुछ करूँ या ना करूँ काजल तो जरूर करती हूँ। ओके एंड ये देखो, ये एक साइड आपको मिल रहा है, ये लाइनर है, स्केच लाइनर है। एंड चलो तो पहले लाइनर अप्लाई करते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे काजल। वाव, अब देखो एक बार में कितना अच्छा कलर आया। यहाँ पे भी मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। वाओ, देख रहे हो ना कितना एक स्ट्रोक में ही मतलब बहुत अच्छा डार्क ब्लैक कलर आ रहा है। ओके गाइस, तो लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, काफी अच्छा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लैक डार्क कलर लग रहा है। ओके तो अब काजल अप्लाई कर लेते हैं। चलिए तो ये है काजल, मेरा फेवरेट पार्ट है ये मेकअप का, तो अप्लाई कर लेते हैं कुछ जल्दी से। ये देखो दोनों आईज का डिफरेंस भी आप देख सकते हो। एंड मैं ना इसको आई के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसे अप्लाई करना, ऐसे ना आपका आईज जो है वो और ज्यादा बोल्ड लगता है, और ज्यादा बिग लगता है। तो वो मस्कारा के लिए मेरे पास ये एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा ब्लू हेवन का, एंड ये ब्लू हेवन का मैंने मस्कारा ऑलरेडी यूज किया हुआ है। बहुत अच्छा, तो मैंने ये भी अप्लाई कर लिया एंड ये भी जो है काफी अच्छा है। एंड ब्लैक आपको ना ये देगा, आपको आपको बहुत अच्छा लेंथ प्रोवाइड करेगा ये। एंड ये सारे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना ब्लू हेवन के, ये सभी काफी अफोर्डेबल होते हैं। ये हम शुरू से जानते हैं कि एक तो ब्रांडेड है, ऊपर से अफोर्डेबल है, तो इससे अच्छा मेकअप का प्रोडक्ट मतलब कॉस्मेटिक और कुछ हो नहीं सकता। तो आप अगर चीप एंड बेस्ट मेकअप को ढूंढ रहे हो ना मेकअप कलेक्शन, तो आप ब्लू हेवन के साथ जा सकते हो, बहुत अच्छा है ये। एंड इसका जो फाउंडेशन है उसके तो कुछ कहने ही नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका फाउंडेशन, मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है। ओके तो चलिए यहाँ पे मेरा आई लुक कंप्लीट होता है एंड अब चलते हैं लिप्स की तरफ। एंड लिपस्टिक के लिए है मेरे पास ये इंटेंस मैट ब्लू हेवन का लिपस्टिक, एंड इसमें मेरा शेड है हार्ट बीट 303। एंड ये जो है पूरा एकदम रेड कलर है, रेड। एंड न्यूली मैरिड के लिए जो है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी भी नई नई शादी हुई आपको पता है, मतलब फिर भी 4 महीने हो ही चुके हैं। तो चलो लिपस्टिक अप्लाई करते हैं रेड कलर एंड देखते हैं कैसा लगता है। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली बताओ बहुत अच्छा लिपस्टिक है, मतलब बहुत अच्छा। ओके गाइस, तो लिपस्टिक भी मैंने अप्लाई कर लिया एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के बाद, मैंने बिंदी वगैरह नहीं लगाया आप देख सकते हो, तो बस जल्दी से मेकअप का जो पूरा लुक है वो रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके तो ये है मेरा क्विक पार्टी मेकअप लुक, तो कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड ये जो भी प्रोडक्ट्स थे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स थे, एंड आप देख सकते हो कितनी मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। एंड इसको चाहो तो आप किसी भी ओकेजन पर ये लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो ओके गाइस, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना है तो उसका परचेज लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।